हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं जा रही हूँ आउटिंग पे अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये हमने बहुत पहले से प्लान कर रखा था कि हम जाएंगे जाएंगे, बट हमें ये हमने मतलब लास्ट टाइम पे हमने डिसाइड करा है कि हम कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे। दो तीन रेस्टोरेंट हमारे मतलब दिमाग में थे, हमने प्लान कर रखा था ये, बट लास्ट में हमें पता चला कि नहीं भाई, अब उसी रेस्टोरेंट में जाना है। तो सुहा और मैं एक साथ गए थे ऑटो में, और रास्ते में बारिश तेज़ हो गई थी। बस तब हमें पता चल गया था कि ट्रैफिक तो भाई मिलेगा। इरम थोड़ा दूर रहती है, तो इरम जो है हमें रेस्टोरेंट में ही मिलने वाली थी। उसने कहा मैं मेट्रो से डायरेक्ट रेस्टोरेंट में ही मिलूँगी। बारिश हो गई है, बढ़ता जा रहा है। लोकेशन नहीं मिल रहा, तू इधर आ यार, तेज़ हो रही है बारिश, और ये मजे लेते हुए बारिश, कितने मजे आ रहे हैं गाइस। पूरा ट्रैफिक हो रहा है, इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली हमें रेस्टोरेंट मिल गया। हमारी हालत ऐसे रेस्टोरेंट चूज करो कि आधा दिन बस उसे ढूंढने में निकल जाए। इरम मैं कह रही हूँ रेस्टोरेंट ऐसे ढूंढो कि आधा दिन निकल जाए ढूंढने में। तुम लोग कहाँ आगे चले गए थे, यहीं से गए? हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा बाहर ही, क्योंकि पूरा फुल था रेस्टोरेंट। उसके बाद हम अंदर गए और यहाँ बहुत ज़्यादा रश हुआ था। आई डोंट नो किस वजह से, बारिश की वजह से, शायद बारिश की वजह से, सॉरी। मैं वीडियो में इतना मशहूर हो गया, मैंने सोचा आज यही पी लो। और यहाँ पे ये दोनों मेरा इतना मजाक उड़ा रही थी कि ओहो अब तो तुम ब्लॉगर बन गई हो, हर चीज़ तुम्हें कैमरे में दिखानी पड़ेगी, ये है वो है। तो उसी चीज़ को मैं इसमें रिप्लाई कर रही थी इरम को। यहाँ पर सुहा अपने फ़ोटोज़ क्लिक कराने लग गई थी, और फिर हमारा ऑर्डर आ गया था। फिर हमारा ऑर्डर भी आ गया था, हमने ऑर्डर करा था मिक्स सॉस पास्ता, फार्म हाउस पिज्ज़ा और पेरी पेरी फ्राइज़, और मैंने ऑर्डर करी थी कोल्ड कॉफ़ी। सैंडोज की कोल्ड कॉफ़ी अच्छी थी, मुझे मतलब लग नहीं रहा था यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा देसी टाइप रेस्टोरेंट था। यहाँ के मुझे पेरी पेरी फ्राइज़ भी अच्छे लगे, पिज़्ज़ा ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, बट पास्ता, कोल्ड कॉफ़ी और फ्राइज़ अच्छे थे। यहाँ पे इन दोनों की अलग ही अपनी गॉसिपिंग हो रही थी, वो मैं नहीं बता सकती किसके बारे में। लास्ट में हमने माउथ फ्रेशनर से अपना खाना एंड करा, और ये मेरा बेस्ट पार्ट होता है, माउथ फ्रेशनर मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने अपने फ़ोटोज़ क्लिक कराए, पर मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मेरे अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं। तो मैंने अपने फ़ोटोज़ देखे, चेक करे, बट मुझे फिर अच्छा लगा कि हाँ भाई एक दो फ़ोटो तो अच्छे आ ही गए। फिर मैंने फिर से फ़ोन दे दिया था कि लो फिर से फ़ोटो क्लिक करो, इस खुशी में क्या पता दो तीन और फ़ोटोज़ अच्छे आ जाते। ये गर्ल्स थिंग होती है, एक्सपेंसिव कैफ़ेज़ जाओ, उसके बाद 1000 फ़ोटो खिंचवाओ, उसमें से एक दो फोटो चूज़ करो और फिर इंस्टाग्राम पे डालो। और ये दोनों भी पीछे क्यों हटती हैं, इन्होंने भी सेल्फीज़ ली इतनी सारी, फिर ग्लूमी सा डे हो गया था। फाइनली हमने खाना खा लिया है, अब जा रहे हैं, देखेंगे क्या करेंगे। और सुहा ने एक जगह ढूंढी है जहाँ हम फोटो खिंचाएंगे, और वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं। हम तीनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम कुर्ता वगैरह पहन के आएंगे, क्योंकि कैजुअल तो कैफ़े में हर कोई पहनता है, तो इसलिए हमने थोड़ा अलग ये लुक रखा था तीनों ने। बताओ भाई, हम जा रहे हैं, ठीक है, और हम भी जा रहे हैं।
सीधे जाएंगे हम। अरे भाई ऑटो तो सामने से ही लेंगे, यहाँ से ऑटो ले लेंगे चलती हुई सड़क पे। वाह एकदम वाह, हम जा रही है और हम ऑटो से जाएंगे, मेट्रो से जाएगी, मेट्रो से जाएगी ना क्या? मेट्रो से हाँ। हम पहली बार आउटिंग पर आए थे, शुक्रिया। फाइनली हम बाहर कैफे, हमने कैफे वैफे में खा लिया। मतलब कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोग कैफे जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, हम पहली बार तीनों आए हैं, 3 साल में पहली बार आए हैं तीनों। आप कुछ बोलना चाहती हैं? और एरम एरम बोल दिया जो बोलना था। तो आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, खाना भी बहुत अच्छा था और आउटिंग भी हो गई थी हम दिनों की, और बस थोड़ा वेदर थोड़ा ठीक ठाक नहीं था। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।